ओके बेसिकली मोमेंटम में सॉरी uh, डायनामिक्स में जो इम्पोर्टेंट हमारा पहला कॉन्सेप्ट होगा तो हम मोमेंटम से इसको स्टार्ट करते हैं ठीक है क्योंकि फोर्सेस और ये कॉन्सेप्ट तो हम डिस्कस करेंगे ही इसके बाद जो चैप्टर है वो फोर्सेस का ही है तो डायनामिक्स में जो मेन uh, हमारा कंसर्न होगा वो मोमेंटम के साथ होगा और इसमें हम मोमेंटम को डिटेल डिस्कस करेंगे बेसिक डेफिनेशन सेम रहेगी जैसे हमने पहले डिस्कस की थी मोमेंटम की आईजीसीएस या ओ लेवल्स में ठीक है Product of force and uh, velocity of a body is called momentum mv. So, uh, this is the basic idea for uh, momentum that we already know and we studied in IGCSE or O levels. And definitely, uh, we also know about the SI unit. The basic SI unit we can write down with the help of the formula is kilogram meter per second. और इसका एक और ऐसा uh, यूनिट SI भी हम यूज करते थे न्यूटन सेकेंड दैट इज एक्चुअली ड्राइव विद द हेल्प ऑफ इम्पल्स ठीक है जो हम इम्पल्स से ड्राइव करके आए थे इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इन टू टाइम सो दैट इज एनदर ऐसा यूनिट दैट वी कैन यूज फॉर मोमेंटम एंड इफ यू रिमेंबर मोमेंटम इज ऑल्सो अ वैक्टर क्वान्टिटी सो इट मीन्स we are going to use positive and negative signs in momentum also and uh, if we talk about the basic idea and like uh, what is momentum in simple words so basically your mo, body motion ki uh, quantity okay, quantity of a motion in a body so that is simply called uh, momentum right so in simple words we can say क्वान्टिटी ऑफ अ मोशन इन अ बॉडी लेट सपोज इफ कार इज मूविंग विदर्टेन स्पीड सो डेफिनेटली द मास ऑफ द कार एंड दिलोसिटी ऑफ द कार इफ वी मल्टीप्लाई बोथ क्वान्टिटीज सो वी विल गेट कंबाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम तो दोनों चीजें आपको कंबाइन करके सिंपल मोमेंटम बता देगी और If we talk about change in momentum. So change in momentum ka bhi basic idea ga, that if we need to find out change in momentum, so that will be equals to final momentum minus initial momentum. बेसिकली इन चेंज ऑन चेंज इन मोमेंटम वेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनल एंड इनिशियल राइट सो मोमेंटम में आपको पता है मास और दो क्वान्टिटीज है एंड वन ऑफ द क्वांटिटी इज स्केलर बिकॉज वी हैव मास सो मास इज अ स्केलर क्वान्टिटी एंड सेकेंड क्वान्टिटी इज अ वैक्टर सॉरी वेलोसिटी विलॉसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी सो लेट्स सपोज इफ यू चेंज द मास ऑफ अ बॉडी लाइक अगर एक हम सुपरमार्केट में एक ट्रॉली को मूव कर रहे हो एंड कंटिन्यूसली वी आर फिलिंग अप दैट ट्रॉली विथ प्रोडक्ट्स सो डेफिनेटली उस ट्रॉली का मास इंक्रीज होता जा रहा है ठीक है सो दैट इज द चेंज इन द मास ऑफ द बॉडी

ड्यू टू चेंज इन मास मोमेंटम में चेंज आ सकता है अदरवाइज चेंज इन स्पीड अच्छा जब हम स्पीड लिख रहे हैं तो इसका मतलब वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड राइट बिकॉज विलॉसिटीज अक्टर क्वान्टिटी

आकर उसको कोलाइड करती है और फिर सेम डायरेक्शन में वो बैकवर्ड मूव करती है तो उसमें हम वेलोसिटीज को पॉजिटिव और नेगेटिव लेते थे राइट सो सेम आइडियाज यहाँ पर भी अप्लाई होंगे लेकिन वो बहुत बेसिक्स uh, थे तो उसमें आपने एक चीज और भी नोटिस की होगी कि उसमें एंगल्स नहीं होते थे उसमें एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में मूव करेगी बॉल और बाउंस बैक होकर सेम डायरेक्शन में वापस आएगी सो बॉल इज मूविंग ऑलवेज इन अ सिंगल लाइन बिकॉज एट दैट टाइम वी आर एट ओ ले उस वक्त बिल्कुल बेसिक्स समझाई जाती थी बट नाउ दिस टाइम वी आर वर्किंग विद डिफरेंट एंगल्स ऑल्सो तो हमें डिफरेंट एंगल्स के साथ मोमेंटम सॉल्व करना होगा सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग एंड वन मोर आइडिया वो भी आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेवल पर कि आप मोमेंटम से फोर्स की सेकंड डेफिनेशन भी लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स टम और डेफिनेटली वैन बी मल्टीप्लाई टाइम ऑन दी अदर साइड सो दैट क्वान्टिटी बिकम इम्पल्स एंड इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम सो ये सेम वही आइडियाज हैं जो प्रीवियस uh, हमारे पास लेवल में इंक्लूड थे और इसमें भी हमारे पास कुछ ऐसा नया जो है वो हमने डिस्कस नहीं किया जो फर्स्ट टाइम हो एंड इफ यू कंसिडर सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विद इट क्योंकि इससे पहले हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ी थी मोमेंटम में But uh, this time, uh, graphical representations are also very important because, in any question, you will get a different type of graphical representation uh, to find out unknown quantity with the help of graph also. So, let's suppose if we consider some graphs. and graphs are related to force and time also momentum and time kyunki ye quantities jab ek dusre se link hai so definitely uh, we can also link them in graphical representations right क्योंकि अब हमारे पास graphical representations के questions काफी होते हैं तो आपको अब idea होना चाहिए कोई भी रिलेशन uh, में आपको ग्राफ दिया जाए सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मूला एफ इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम एंड इफ यू टॉक अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन and in this graphical representation we are taking momentum on y axis newton second time on x axis and we have a line a straight line moving with constant gradient like this so as we already know that rate of change of momentum is equals to the force. So definitely, uh, when we are going to find out the gradient, so gradient of the graph will be equals to the force. So when you out the gradient find out, karoge so definitely, you two values select karlo. For example, we are taking one value from here and the second value from here, and you will get. वैल्यू ऑफ मोमेंटम ओवर हेयर पी वन टीवन और एक वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी पी टू एंड टी टू सो दैट विल गिव यू द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ एंड लेट सपोज इफ आस्क यू टू फाइंड आउट एरिया अंडर दर्व सो अगर इस ग्राफ का एरिया अंडर दर्व फाइंड आउट किया जाए तो उसके रिजल्ट में आपको आ, क्या क्वांटिटी मिल सकती है एनी आइडिया एनी गेस हाँ अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे स्पीड टाइम ग्राफ है अब स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हम एरिया अंडर कर्व यूज करते हैं तो हमें डिस्टेंस की क्वांटिटी मिलती है राइट right? बट अगर हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें मोमेंटम टाइम और इसका अगर आप एरिया अंडर दी कर्व फाइंड आउट करते हो तो क्या हमें कोई नई न्यू क्वांटिटी मिल सकती है मास इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम मास इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम ओके व्हाट वुड दैट बी अ लेट मी थिंक क्योंकि अभी जैसे मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी है और मोमेंटम ओवर टाइम का मतलब है दैट वी आर टेकिंग ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ ठीक है या तो ग्रेडियंट से तो हमें फोर्स मिल गई लेकिन इसका एरिया अंडर दी जो कर्व होगा ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम सिर्फ आ, वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो हमने यूज़ करनी है अब जैसे एक क्वेश्चन है अगर वो आपसे ग्राफ देकर पूछ लेते हैं कि एरिया अंडर दी कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा ठीक है पहली बात तो ये कि वो क्वेश्चन मतलब आ, बहुत कम पूछा जाएगा क्योंकि इसका एरिया अंडर दी कर्व जो है वो अभी हमारे लिए यूजलेस है वो कोई भी ऐसी क्वांटिटी आपको नहीं देगा जो हमारे पास कहीं पर यूज़ हो रही हो फिज़िकली राइट सो इफ एनी वेयर दे आस्क अबाउट एरिया अंडर द कर्व फॉर मोमेंटम टाइम ग्राफ, सो दैट एरिया अंडर द कर्व विल नॉट गिव यू एनी स्पेसिफिक क्वान्टिटी राइट एंड इन द सेम वे अगर आप कंपेयर करते हो फोर्स एंड टाइम ग्राफ को इसके बिल्कुल आप पैरल अगर फोर्स टाइम ग्राफ को कंपेयर करूं बेसिकली होता है क्या है कि हम बेसिक क्वांटिटीज को कंबाइन करके ड्राइव क्वांटिटीज बनाते हैं राइट बट इन मोमेंटम टाइम ग्राफ वी आर ऑलरेडी यूजिंग क्वांटिटीज राइट और उसकी बेसिक क्वांटिटी फोर्स उसके ग्रेडियंट से फाइंड आउट हो चुकी है एंड नाउ इफ वी आर यूजिंग द सेकेंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन वाई एक्स वी आर टेकिंग टाइम अगेन वी आर यूजिंग अ लाइन विद कॉन्स्टेंट ग्रेडियंट और अगर इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम एरिया अंडर दर्व की बात करें द एरिया अंडर द कर्फ विवल टू लाइक अभी हमारे पास एक ट्राइंगल है फॉर एग्जाम्पल सो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया अंडर दर्फ का फॉर्मुला है बेस इन टू हाइट दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू वन ओवर टू एफ इन टू डी सो इट मीन्स एरिया अंडर दर्व इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटमेंटम और अगर आप देखो यही सेम कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट ग्राफ्ट अप्लाई करो तो मोमेंटम इन टू टाइम मिलेगा आपको ठीक है वैसी कोई क्वान्टिटी हमारे पास अभी नहीं है ठीक है तो वो यूजलेस है ठीक है वैसा कोई कॉन्स फैक्टर या वेरिएबल हमारे पास अभी यूज ही नहीं हो रहा हमने पढ़ा ही नहीं हमारे इस कॉन्सेप्ट में है ही नहीं सो so, इसलिए उसका एरिया अंडर द कर्व यूजलेस है ठीक है और सेकेंड ग्राफ में आपने एरिया अंडर द कर्व देखा सो द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द सेकेंड ग्राफ इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम इट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम एंड लेट सपोज इफ यू नीड टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ द सेकेंड ग्राफ तो अगर आप सेकेंड ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हो तो क्या उससे आपको कोई हेल्पफुल क्वांटिटी मिल सकती है लाइक दैट विल equals टू एफ ओवर टी एफ ओवर टी से रिलेटेड हमारे पास इसमें कोई थी ही नहीं ठीक है जो हमने डिस्कस की हो. So इसका मतलब ये है अगर आपके पास फोर्स टाइम ग्राफ होता है सो इट विल बी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम यूजिंग एरिया एंड इफ वी आर यूजिंग मोमेंटम टाइम ग्राफ सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द क्वान्टिटी ऑफ फोर्स बाई यूजिंग द ग्रेडियंट बिकॉज द ग्रेडियंट ऑफ सेकेंड ग्राफ इज useless इट विल नॉट गिव यू एनी क्वांटिटी, ठीक है तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि मतलब ये क्वेश्चंस आपने देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो लास्ट में मोस्टली क्वेश्चंस के इस तरह के पार्ट्स पूछते हैं कि अगर हम इसके ग्रेडियंट को इंक्रीज करते हैं तो कौन सी क्वांटिटी पे इफेक्ट होता तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली इस ग्राफ से हम ड्राइव किसे कर रहे थे सो देन वी आर एबल टू आंसर अबाउट द क्वान्टिटी राइट नेक्स्ट वी हैव अ न्यू आइडिया अबाउट कोलिजन्स प्रीवियस लेवल में हम सिर्फ कोलिजन की बात करते थे ठीक है लाइक मॉलिक्यूल दे ट्रांसफर एनर्जी और दे जस वाइब्रेट मोर फ्रिक्वेंटली बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कोल्यूजन अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन हो कोई चीज समझ नहीं आई हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्लियर है यहाँ तक सब यस सर ओके सो बेसिकली इन टाइप्स ऑफ कोलिजन Now we are going to use two types of collisions elastic and inelastic. Basically, uh, the collisions actually we were studying in our previous level, those are elastic. Elastic means when we are using ideal perfect condition, right? Like there is no loss of energy taking place over there. So those are actually elastic collisions. But in our real life, इन एलास्टिक कोल्यूजन एग्जिस्ट बिकॉज वी नो कि हमारे पास कोई भी ऐसा सेटअप हंड्रेड परसेंट एफिशेंट नहीं हो सकता सो डेफिनेटली वी आर वर्किंग विद इन आर डेली लाइफ बट फॉर सिंप्लिसिटी लाइक फॉर आर एक्सपेरिमेंट वी कंसिडर दैट कोल्यूजन एज इलास्टिक तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है जिस तरह तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें फिर ईजी हो जाती है कि हम बेसिक्स समझ लें फिर हम उसको एडवांस में भी समझ पाएंगे सो इफ यू टॉक अबाउट इलास्टिक कोल्यूशन सो इलास्टिक कोल्यूशन इज कम्प्लीटली एन आइडियल कंडीशन एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि एक आइडियल कंडीशन होती है और अगर हम रियल लाइफ की बात करें सो वी आर एक्चुअली वर्किंग विथ इन एलास्टिक कोल्यूशन And since it is ideal condition, so it means no energy loss in elastic collision during collision. Number two energy loss. जैसे नॉर्मल आप इस इस्लोकर गेम की एग्जांपल लो तो वहाँ तो जो सरफेस होता है उस बोर्ड का सो डेफिनेटली फ्रिक्शन होती है सबसे पहले उसमें आपने देखा बॉल को कंटीन्यूसली शाइन किया जाता है कि आपके पास मोमेंटम जो है वो आपको मैक्सिमम मिल सके ठीक है फ्रिक्शन मिनिमम करने के लिए लेकिन फिर भी नाइन्टी नाइन परसेंट आप उसे बना सकते हो फ्रिक्शनलेस वन परसेंट डेफिनेटली वो आपको रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करेगा अपॉन पोल्यूशन एज हीट

ठीक है लेकिन इतने माइनर लेवल पर जब हम लिखते हैं सो वी आर नॉट एबल टू मेजर दैट माइनर चेंज राइट वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन मैक्रो लेवल तो इतने माइक्रो और मिनी uh, लेवल पर जाकर हम चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते सो so उनके लिए हम ये चीज़ कंसिडर कर सकते हैं दैट द कोलिजन बिटवीन द एटम्स द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली इलास्टिक So, when we are talking about collision between small masses, for example, atoms. atoms molecules neutrons like this but if we talk about inelastic so inelastic are the collision between large masses

और बाकी सारी भी लार्ज बॉडीज को आप कंसिडर कर सकते हो एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट आइडिया इज मोमेंटम रिमेन्स कंजर्वड इन इलास्टिक कोल्यूशन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड एंड टोटल एनर्जी ऑल्सो रिमेन्स कंजर्व आपको लॉफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद होगा एम वन यू वन प्लस हम इसी के बेसिस पे लिखते थे क्योंकि उसमें कुछ लॉस्ड होता हुआ फॉर्मूला में दिख नहीं रहा होता सब कुछ बस एडअप हो रहा है इनिशियली एंड ऑल द थिंग्स आर गेटिंग एडअप इन फाइनल स्टेट एंड बोथ साइड्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू इच अदर राइट right? सो so, वो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट में भी हम इलास्टिक यूज कर रहे होते थे क्योंकि वहां पे हमने कभी लॉस की बात ही नहीं की राइट बट दिस टाइम इन इन इलास्टिक कोलिजन सो इन इलास्टिक की जब बात होगी सो ओनली मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्वड क्योंकि टोटल एनर्जी में वेस्ट एनर्जी भी काउंट होती है राइट बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी so we are counting that one also as a part of energy so these two quantities remains conserved but kinetic energy will not remains conserved because we know that energy is going to be converted into some other form of energy also क्योंकि एनर्जी कुछ वेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगी इन लाइक हीट हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गई और इस तरह से डिफरेंट सोर्सेज में वो वेस्ट uh, फॉर्म में चली जाएगी सो दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कन्जर्वड बट मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स कन्जर्व क्योंकि टोटल एनर्जी में हम सबको काउंट करेंगे चाहे वो वेस्ट हो चाहे वो यूजफुल हो सो बेसिकली इफ यू वॉन्ट टू चेक That either the collision of the body is inelastic or elastic. So, you can just simply uh, check the kinetic energy, right? Because there is only one difference between them, uh, that is kinetic energy. So, mathematically, if we want to check, so we need to find out kinetic energy before collision, kinetic energy after collision, and that will give you the idea uh, that collision is elastic or not. एंड सिंस वी नो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो डायरेक्शन को इस बार इन्वॉल्व करना है तो बेसिकली मैग्नीट्यूड फॉर्मूला डायरेक्शन सब चीजों को इस बार आपने एक साथ जो है वो कंक्लूड करना है अपने क्वेश्चन में कुछ भी स्किप नहीं करना है सो बेसिकली इज इलास्टिक If the total kinetic energy before collision is exactly equals to the total kinetic energy. तो सिर्फ यही एक कंडीशन है जो कि आपके कोल्यूशन को परफेक्टली इलास्टिक बनाएगी राइट एंड इज्स्यूट ओकेशन बिटवीन लार्ज मासज लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्नोकर बॉल्स राइट सो दो We can easily okay. uh, observe them with our normal eyes. But when we are talking about molecules, so definitely we required microscopic view. That is not possible yeah. all the time. Like uh, if we are talking about the same ball, a snooker ball, so there are atoms and molecules of uh, that ball inside it. So we are not able to uh, check the moment or like the vibration of those molecules with our normal eye in normal experiment. So that is called a small masses. उट ओकेटिक एनर्जी सो इलास्टिक कोलिजन इज परफेक्टली आइडियल कंडीशन सो ऑल क्वॉंटिटीज रिमेन्स कंजर्व क्योंकि हम उसमें कुछ वेस्ट होने ही नहीं दे रहे राइट बिकॉज दैट इज आइडियल कंडीशन बट इन इन इलास्टिक कोल्यूजन जो हमारी रियल लाइफ एग्जाम्पल होती है

वट एक्चुअली यू ऑब्जर्व अगर आप एक वाइट बॉल को स्ट्राइक करते हो स्नोकर में एंड वेन इट वैन इट कोलाइड्स विद अदर बॉल राइट तो अगर आपके पास कुछ ऐसा पैरामीटर हो कि uh, जो आपको हर एग्जैक्ट पॉइंट पर स्पीड बताए सो देन यू विल रियलाइज कि जो इनिशियल स्पीड थी आपकी वाइट बॉल की जब आपने उसे हिट किया था तो उसके माइक्रो सेकेंड के बाद लाइक पॉइंट वन सेकेंड की अगर आप मेजरमेंट कर पाओ तो आपको आइडिया होगा कि उसके बाद जो उसने सेकंड बॉल से कोलाइड किया डेफिनेटली ट्रांसफर एनर्जी टू दैट बॉल और बोथ बॉल्स आर स्टार्ट मूविंग आफ्टर द कोलिजन लेकिन जो दोनों की स्पीड होगी ना अगर आप उन्हें सम अप करोगे टू द इनिशियल स्पीड ऑफ द वाइड बॉल कि जब उसने मूव करना स्टार्ट किया था वाई बिकॉज वी नो दैट ऑन बोर्ड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन वी आर गेटिंग एयर रेजिस्टेंस और इन सब फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट भी अगर हुआ ना तो एनर्जी आपकी वेस्ट होगी ठीक है इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस एंड कोलिशन राइट तो जो काइनेटिक एनर्जी थी ना वो एग्जैक्टली exactly सेम नहीं रह पाएगी राइट बट इफ यू टॉक अबाउट टोटल एनर्जी राइट सो टोटल एनर्जी इज एक्चुअली द सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी लाइक काइनेटिक पोटेंशियल ऑल ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम क्योंकि टोटल एनर्जी में हम वेस्ट को भी काउंट करते हैं राइट एंड मोमेंटम मोमेंटम इज मास सो दैट कंजर्व, चेंज हो जाएगी बट मास एंड जो है वो सेम रहेंगे राइट सो दैट्स वाई वी आर सेटिक एनर्जी नॉट रिमेन्स कंजर्वड इन इन एलास्टिक मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ऑलरेडी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है हमारे आई जी सी एस सी लेवल्स में और ये प्रूफ करता है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम जो है वो एग्जैक्टली uh, इक्वल exactly होते हैं uh, अगर कोई एक्सटर्नल उसमें रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं कर रही हो तो राइट right? और कोई कंफ्यूजन इसमें नो सर थैंक यू ओके क्योंकि अभी चीजें थोड़ी सी एडअप होती जा रही हैं और डेफिनेटली थोड़ा माइंड में ये चीजें होती है कि इतनी सारी चीज़ें एडअप होती जा रही हैं तो कहीं ना कहीं फिर डाउट आ जाता है क्योंकि हम कभी कभार किसी चीज को किसी के साथ मिक्सअप कर लेते हैं तो फिर वो क्वेश्चन आते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है राइट ओके सो डायरेक्शन की बात करनी थी हमने बेसिकली इन डायरेक्शन एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस इफ़ यू रिमेम्बर हमारे पास ऐसा भी होता था कि वेन कोल्यूजन uh, में समटाइम्स बॉडी लाइक स्टिक टूगैदर एंड टू मूव एज अ सिंगल बॉडी सो दे आर गोइंग टू मूव इन अ सेम डायरेक्शन बट समाइम इट है बॉडी कोलाइड्स एंड इट स्टार्स टू मूव लाइक इन डिफरेंट डायरेक्शन और एक थर्ड केस जो पॉसिबल हो सकता है वो ये कि रैंडम एंगल पर जा सकती हैं सो दैट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेज राइट सो अभी हम वो रिजल्टेंट फोर्सेस वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं कर रहे वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दीज टू थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल इफ बॉडी मूव सेम डायरेक्शन so whenever uh, bodies if bodies are moving in same direction so we can say we have to minus their speeds वी विल डिस्कस दिस आइडिया इन क्वेश्चन ऑल्सो क्योंकि डायरेक्ट हिंट uh, से आपको समझ नहीं आता अक्सर तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर uh, आपको जो है वो इस कॉन्सेप्ट को मैं रिकॉल करवा दूंगा जहाँ पर ये अप्लाई होगा एनी बॉडीज़ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो वी आर गोइंग टू एडअप देअर स्पीड्स अच्छा ये कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है अगर आपको याद हो तो जब हम मोमेंटम uh, की बात कर रहे थे सो लेट सपोज अगर वो एग्जांपल आप कंसीडर करो कि एक टेनिस बॉल वॉल को स्ट्राइक कर कर एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में वापस आ जाए राइट सो इन दैट केस वी हैव टू डिफरेंट डायरेक्शंस राइट वन डायरेक्शन इज फॉरवर्ड अदर डायरेक्शन इज बैकवर्ड

And let's suppose if you are taking a final velocity or like the final direction as negative, right? So you will get something like minus V and plus u so you can see minus minus they will add to together, right? But if both the directions same same so definitely we can easily subtract them, right? सो so, इस तरह से आपको आइडिया हो जाता है कि जब दोनों डायरेक्शंस ऑपोजिट थी सो डेफिनेटली वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ द वेलोसिटी एंड दैट विल गिव यू ऑपोजिट डायरेक्शन राइट बट व्हेन बोथ बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन इट मींस देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन सो वी आर एक्चुअली सब्ट्रैक्टिंग देम राइट सो यहां से आपको इस चीज का आइडिया हो जाता है बहुत सिंपली ठीक है कोई cool कंफ्यूजन Okay, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेसिकली रिलेटेड टू मोमेंटम ओनली दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम टू थाउजेंड ट्वेंटी वन विंटर सीजन सो फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी यू नीड टू फाइंड आउट मोमेंटम राइट सो मोमेंटम इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity so can we just like give the formula like how we did in igcse uh formula for momentum for example there will be like different questions define acceleration define mm -hmm. speed mm -hmm. and you just give the formula okay uh, define yes. moment like that fd yes i am working on it uh like uh, by this weekend i will uh, share all the definitions for like that we are going to learn in A levels and all the formulas we are going to use in A levels. So, I will send that PDF file also, right? Okay, sir. Because in A levels, uh, we know they are asking about definitions also. So, I will send all the definitions that actually they ask in exam or there is a chance that they will ask in your exam and all the formulas that we are going to use. okay so uh, this is the first part very simple and let's consider the next one okay so in next part we have uh, two balls x and y equal diameter but different masses 0 0.24 0 0.12 let's suppose if we consider uh, this body as mass 1 this mass m2 so it will be easy to identify and uh, respectively slide towards each other on a frictionless horizontal surface so they are moving towards each other it means in opposite direction and there is no friction, frictionless surface. There is also a graphical representation. Both ball have initial speed of two point three meter per second before they collide with each other. Figure two point two shows the variation with time of the force F y exerted on the ball y by ball x during the collision.

है कि उसने वाई पर जो फोर्स अप्लाई की उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगेन आप देखो फोर्स टाइम ग्राफ आ गया ठीक है तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देंगे तो इसलिए हमारे ग्राफिकल का आइडिया होना चाहिए नाउ लेट सी इन द फर्स्ट पार्ट वट दे आर आस्किंग कैलकुलेट द कानेटिक एनर्जी ऑफ बॉल एक्स बिफोर कोलिशन so now we need to find out the kinetic energy of ball x before the collision so if we consider the quantities given in the question so these are the quantities given in the question and you need to find out kinetic energy before collision the formula of kinetic energy is simple half mv square so you need to uh, calculate kinetic energy for ball x so we know uh, formula is very simple for kinetic energy kinetic energy is equals to half m v square and we know mass remains same so the mass of ball x is 0 0.24 we are talking about this body. So 0 0.24 is the mass, and speed is 2.3. So, first part is very simple 0.24, 2.3. So, by using this idea, we can easily find out the kinetic energy. So, can you please calculate the answer for kinetic 0. energy? 0. 0.63 joules. 0. 0.63, okay. So, we are getting 0. 0.63 joules so first part is very simple and if we consider the next part so the area enclosed by the lines and the time axis in figure 2.2 represents the change in momentum of ball y during the collision determine the magnitude of the change in momentum of ball y so now we need to find out change in momentum but only for ball y so change in momentum is actually equals to force into time as mentioned in the uh, question that we have to use the graphical representation to find out this so if we consider graphical representation so the maximum force is

three seconds three second okay so we have milliseconds so it means uh, three millisecond so that will give you the area for uh, this part right and in question they are asking the area enclosed by the lines and the time axis in figure 2.2 uh, 2, right that represents the change in momentum. Wait, can you go up? So you can see uh, there are two lines and basically the area covered by those two lines is equals to the total 5 milliseconds, right? And we are getting two uh, different triangles actually two different right angle triangles. तो इस इट पॉसिबल डेट अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें वन ओवर टू मल्टीप्लाई बाय टाइम डेट इस फाइव मिलीसेकंड मल्टीप्लाई बाय वो इंसार है वाक्यूशन बिर सपोज्ड तू फाइंड डी चेंज इन मोमेंटम राइट यस सो डी एरिया ऑफ़ डी फर्स्ट ट्रायंगल माइंस डी एरिया ऑफ़ डी सेकंड ट्रायंगल व्�

तो इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि बिफोर और आफ्टर कोल्यूजन सो एरिया इज एक्चुअली इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम राइट सो इसमें आपने ऐसा नहीं करना कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो आपको डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हो राइट तो दोनों ट्राइंगल्स कंबाइन करके आपको एक ही वैल्यू देंगे दैट इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम राइट आप कॉन्सेप्ट ठीक था जो आपने पहले सोचा लेकिन हमारे पास जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन थी ग्राफ की अकॉर्डिंग टू दैट एरिया अंडर कर्व इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ओके तो आपने इसमें दोनों को अलग अलग फाइंड आउट करके उन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं करना क्योंकि आप एक चीज और नोटिस करो यहाँ पर उन्होंने uh, एक पॉइंट मेंशन किया था दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल वाई बॉल एक्स ड्यूरिंग द कोलिजन तो ये सिर्फ एक ही बॉडी पर जो है वो फोर्स जो अप्लाई हुई थी ड्यूरिंग द कोल्यूजन ये उसकी बात थी ठीक है तो आप ये ग्राफ पे बिफोर आफ्टर जो है वो कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने क्लियरली लिखा है दैट फिगर टू पॉइंट टू शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द फोर्स एफ वाई एक्सर्टेड ऑन बॉल वाई बाय बॉल एक्स तो स्पेशली ये ग्राफ जो है वो आपको ड्यूरिंग द कोल्यूजन का दिया गया है राइट इट इज नॉट बिफोर एंड आफ्टर तो आप इसमें बिफोर आफ्टर कर भी नहीं सकते राइट ओके ओके सर, क्लियर हो गया कि हम इसमें क्यों नहीं करेंगे, जी हो गया, ओके okay. बस इसमें यही प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन हमें मतलब हम अपने जो पुरानी अप्रोचेस होती है हम वो अप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन इसमें छोटी छोटी दी होती है जिनकी वजह से जो है वो हमारे आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं so what actually we are going to do we are actually using a formula 1 over 2 uh, the total time so the total time covered on the graph is 5 millisecond multiply the total force which is 240 so by using this idea we are actually calculating the total area under the curve right we are not uh, subtracting it So change in momentum will be equals to 0 0.6 Newton second, right?